global advertiser for innovative outdoor solutions. साक्षात माता सरस्वती ही किसी के कंठ पे विराजमान हो जाएं, कि जिनकी आवाज को सुनने के लिए देश के बड़े बड़े, जिनके एक एक पल इतनी कीमती होती, जिनके एक एक लेखक, और जब वो गाएं तो समझिए समंदर लहराती भी, सैलाब भी है वो भी एक झील की तरह दिखने लगे, तो वो गायकी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर भारत में, पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ, अपनी लौकिक गीतों के साथ, लोकप्रियता के साथ, अभी हम कहीं एक बैनर देख रहे थे जो इसी गली में लगी पड़ी है, अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पिछले 3 दशकों से मनाई चली जा रही है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा देश है, अगर देश की सूची में गिने तो 7वां स्थान है, और उस मिट्टी में कैसे खनकते हुए फनकार ने पैदा लिया, जब वो गाते हैं तो एक अलग सा माहौल, फिजाएं ठहर के भी खामोशियों के साथ, झुरमुट अदा और अंदाजों के साथ जिन्हें सुनता है। मैं ऐसे यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैं जिनका नाम ले रहा हूं, जिनके साथ साक्षात सरस्वती माता चलती हैं, सवार रहती हैं, जीती हैं, ऐसे विमर्यादित होकर गीत और गायकी को एक नया ऊंचाई और मुकाम देने वाले गायक कलाकार, ऐसे संतों, ऐसे फनकार, ऐसे बेशकीमती कलाकार, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी सज्जनों, माता भगवती माता सरस्वती की असीम अनुकंपा और कृपा जिनके ऊपर है, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। ऐसे हमारे आदरणीय और बड़े ही प्रिय भाई, उत्तर भारत के शान और पूरे देश में, बॉलीवुड के माध्यम से पूरी दुनिया में लोक गायकी को बहुत ही लोहा चुनौतीपूर्ण तरीके से दिलों में सजाने और संवारने वाले से गायक हमारे बीच सुरों के सम्राट सुरेश शुक्ल जी हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी करतल ध्वनियां समंदर की लहरों के साथ टकराएं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सुरेश शुक्ल जी का, एक अलग दुनिया हमें देखने को मिलेगा। बहुत मधुर गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, जितना मैं बोल रहा हूं उसका अगर 1,00,000 गुणा जाता होता होगा, ऐसे हैं। मैं बहुत कुछ सीखता हूं, जीवन से जुड़ी हुई बातें, व्यवहार से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें, गीतों को सुनने के लिए हम सबों के बीच में राजकुमार पासवान जी, उनसे भी लोकगीत हम सुनेंगे अपने क्षेत्रीय भाषा के, वो भी एक बहुत महान फनकार हम सबों के बीच में बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हम सबों के बीच में हैं। ये मंच आज इन सबों को महा सरस्वती सम्मान से सम्मानित करेगी। ऐसे हमारे शरद प्रभु साहब जो यहाँ के शिवसेना के गढ़ प्रमुख हैं, उनके शुभ हाथों से पूरी टीम जो हमारी जय मां सरस्वती मित्र मंडल, इससे तो आइए, चूंकि अब माइक का डिमांड आ गया है तो कोई माइक का लाल नहीं है जो इनके सामने टिक सकता है, तो ऐसे एक माइक के लाल के लिए घनघोर तालियां जो पूरे बॉलीवुड के माध्यम से पूरी दुनिया में जाए। ऐसे सुरों के साधक, ऐसे सुरों के सम्राट, ऐसे सुरों के स्वामी श्री सुरेश शुक्ल। हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो 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 हेलो। आप सभी को सबसे पहले सरस्वती मैया के प्राकट्योत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाइए। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया, सृजन किया, उस समय नारंजकता थी, सृष्टि नीरस थी चारों तरफ, कोई रस नहीं था। कहा जाता है जीवन में अगर रस ना हो
रंग ना हो तो जिंदगी बेरंग हो जाती है, निरस हो जाती है। तो कोई रस नहीं था, तब जाके ब्रह्मा जी ने सरस्वती मैया को उत्पन्न किया। और आज देख रहे हैं संगीत भी है तो माँ सरस्वती से है, ये प्रकृति में ये गुंजार है तो माँ सरस्वती से है। आइए जोरदार जयकारा लगाएंगे माँ सरस्वती के लिए, बोलिए सरस्वती मैया की। हेलो 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 हेलो, अरे कैसे हैं? वाह वाह, बोला लाइट वो बंद करवा दो, फुल टोन। कौन कहते आलो ऐसी ना नहीं, क्या करने। हेलो 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 तू दुर्गा बनके
के चरणों में हमारे उत्तर भारत की पहचान पचरा से होती है। एक पचरा मैं गाऊंगा फिर हर निमिया के डार मैया मोरी। अच्छा कौन कौन समझ रहा है, जरा हाथ उठाएगा तो। वाह वाह, भक्ति कभी शब्दों से नहीं होती, भक्ति भाव से होती है, इसलिए सुरों में भाव खोजते रहिए। हर निमिया के डार मैया मोरी, डार हली झूलुआ हो के झूली रे झूली ना, हे माई मोरी झूली रे झूली ना, हे भी मोरी कामे ले जितिया के झूली रे झूली ना, हे मोरी कामे ले जितिया हो के झूली रे झूली। ओ काका, चंद्रशेखर आजाद का नाम क्यों आता है, तात्या टोपे का नाम क्यों आता है, अब्दुल हमीद का नाम क्यों आता है, श्रवण कुमार का नाम क्यों आता है, कभी सोचा नहीं? सोचा ना तो सोचना शुरू करिए, क्योंकि आपका हमारा जन्म हुआ है। तो कुछ ऐसे कर्म छोड़ के जाए कि हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद करें। Yeah.
शहर बनाने लगा, फिर ऐसे ऐसे हम भी। तो पहले तो लोक संगीत ही आया, तो मैया रानी ने मालिन से कहा कि मालिन जरा पानी को पिला दो, और मालिन लाके मैया रानी को पानी पिलाती है। तो मालिन को मैया रानी ने आशीर्वाद दिया, ये माली और मालक कोई दूसरा नहीं है, आप हैं हम हैं, जो अपने परिवार रूपी बगिया को, अपने बच्चों को अपने खून पसीने से सींचते हैं। तो आप सबको मैया रानी का आशीर्वाद लगे, कैसे जैसे के मालिन मोरी हमके जुड़ मैली, हमके जुड़ मैली वैसे वैसे बजाओ। जैसे के मालिन मोरी हमके जुड़ मैली, हमके जुड़ मैली वैसे वैसे कम करने मुंबई एयरपोर्ट में बैठा था, फ्लाइट आने में थोड़ी देर थी। एक बेचारा हस्बैंड पत्नी और माँ का हमारा बड़ा व्यथित था, बात कर रहा था, अरे जानू कभी कभी माँ को फोन कर लिया करो, बहुत उनकी शिकायत रहती है कि आप बात नहीं करती हो, फोन नहीं करती हो। तो पत्नी ने कहा माँ को तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, अब बेचारी बूढ़ी माँ जिसको दिखाई नहीं देता व्हाट्सएप क्या मालूम पड़ेगा। ये हाल हो गए हैं हमारे, आपके बचपन में टेलीफोन उठाने की हिम्मत भी नहीं होती होगी। तो जिस एनवायरनमेंट में हम पैदा होते हैं सब चीजें मालूम है, हम कंप्यूटर के जमाने में आजकल बच्चे ह्यूमन भाव के बगैर अधूरा है, इसीलिए माँ सरस्वती का उद्भव हुआ इस संसार में। तो कहना है जैसे के लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए शब्दों का बड़ा असर होता है। नकारात्मक शब्दों को सोचते रहिए, नकारात्मक शब्दों को कभी मत सोचिए, सकारात्मक शब्दों को सोचते रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, तभी आपके जीवन में ऊर्जा आएगी, नहीं तो निराशा चारों तरफ घेर के रखी है। इतनी अच्छी सभा को बांध कर आपको जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, ये मंच आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है और आपको आशीर्वाद और प्यार देने के लिए भी तैयार है। लेकिन कुछ फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे गीत हैं जो भाई साहब के सर में जब सज जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक महफिल, एक गांव की शादी और वो पुरानी दिनों की यादें जो हमारे आपके जहन में है, जो अब हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं देख पाएंगी, वो सभ्यता के बहुत सारी चीजें। उत्तर प्रदेश की सरकार से, वहाँ की गवर्नमेंट से सम्मानित है महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस साहब जब कभी भी इनके महफिल में होते तो एक बार कहते हैं कि दो तीन गाना जब तक सुरेश जी का मैं सुनूंगा नहीं तब तक हिलूंगा नहीं। ऐसे बड़े लोग, ऐसे गुणी कलाकारों के कदरदान हैं, तो कोई यही कदरदान नहीं है, मतिवर सिंह साहब हम सबों के बीच में है, ये भी बड़े लोक कला के महफिलों को लगाते रहते हैं। तो
सुरेश जी का एक अलग अंदाज है। ये वो कलाकार हैं जो तब के पैदा होते हैं, जो बेसिकली कलाकार ही हैं। ये कहते हैं कि दीपक राग से दीप जल उठता था, मल्हार राग से मौसम फिजाएं बदल जाती थी। अब चूंकि जमाना थोड़ा कमर्शियल हो गया है, वो उस लेवल की रियाज नहीं हो पाती है क्योंकि कमर्शियल है। जी हाँ दोस्तों, बावजूद इसके इन्होंने जो महफिल बांधी है, आइए एक बार फिर सुर के ऐसे स्वामी, सुर के ऐसे सम्राट जिनकी आवाज में यो खनकती है कि जैसे समंदर बुला रहा है कि सुरेश जी अब गाओ, नहीं तो हम और यहाँ तक आ जाएंगे। इसलिए वहां तक थमा हुआ है जब तक ये गा रहे हैं, लेकिन आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। समंदर की वो लहराती हुई तालियां आपके हृदय से निकलनी चाहिए। इतना सुंदर माहौल पूरा देवी देवताओं को इन्होंने यहाँ हम सबों के हृदय में विद्यमान कर दिया ऐसे गायकी के साथ। वैसे फनकारों के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां पुनः एक बार, और फिर हम सुरेश जी को माइक सौंपते हैं। हेलो हेलो चिक, मैं ज्यादा फिल्मी गीत कम ही गाता हूँ क्योंकि हमारा सर्कल ही अलग है, और लेकिन बहुत सारी फिल्मों में मैंने म्यूजिक भी दिया है। भोजपुरी फिल्मों में आपको बालिका बधू में देखते होंगे, बैकग्राउंड में बहुत हाई पिच का आलाप आता था, तो मेरी आवाज़ थी। अगले जन्म मोहे बिटिया की जो नाना इस देश मेरे लाडो, बहुत सारे सीरियल में मैंने अपनी आवाज़ दी थी। तो आइए एक प्रेम भाई की फरमाई से, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, देखिए पिता ऐसा होना चाहिए। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहूँ, धीरे धीरे सरताज। मैं चर्चा भी करता हूँ बातों का, जब बात आ जाती है बिंदिया क्यों लगाते थे, ये हमारे भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है और वो आज्ञा चक्र ध्यान का केंद्र होता है, इसीलिए वहाँ तिलक लगाया जाता है और इसीलिए हमारी माताएं पहले बिंदिया लगाती थी और आज तक बिंदिया लगती रही है। कभी कभी लगा लिया करिए, उससे क्या देखिए, अगर आपके यहाँ कोई हाथ रखता है तो ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान केंद्रित हो गया। तो सारी बातें ध्यान की हैं, ध्यान से पढ़ो। आप भी बिटिया को कहती होंगे, बेटे को कहती होंगे, ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से देखना, ध्यान से सब बातें, ध्यान से गाना सुनना, ध्यान से साउंड बजाना, ध्यान से ढोलक बजाना बाबू, तो सब बातें ध्यान से है। इसलिए ध्यान को महत्वपूर्ण महत्व दीजिए। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूल गए मेरी जान ये सितारा। Yes, yes.
अपना दिल निकाल के इसे रख देता है। आइए ना जो दिल से प्यारा
जैसे कृष्ण भगवान को छोड़ना पड़ा गोकुल, तो वैसे हमको भी अपना गांव छोड़ना पड़ता है, अपना शहर छोड़ना पड़ता है। आज मुंबई में है तो मुंबई मुंबई कहेंगे अमेरिका, जहां ना मम्मी है ना पापा है ना ताऊ है ना दादी है। आज कहां जा रहा है अकेले? चांद पर भी जाएगा तो वहां भी अकेले जाएगा, वहां भी माटी की तलाश करता है। तो जो मजा रिश्तों में है, जो मजा अपनी माटी में है, जो अपनों के साथ है, वो जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए अपने रिश्तों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और प्रेम जी जय माँ सरस्वती, मित्र मंडल ने इतना समय दिया, मैं उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद देता हूँ। हमारे माधवर सिंह जी कहते हैं साधुवाद, न जातिवाद न आतंक, केवल साधुवाद। इसलिए साधुवाद फैलाइए, जो भी आपको कुछ दे तो उसको साधुवाद दीजिए। तो माँ ने हमें ये संसार में लाया, इसके लिए हम माँ के चरण प्रणाम करते हैं। थैंक यू दोस्तों। जिन्होंने ये बड़े अलग तरह के कलाकार हैं, सारे मैरिड कलाकारों को बुला लेते, फिर उसका एक सोच कर देती है तो शादी होता है, पति के बारे में तो कलाकार फीमेल सिंगर भागने लगी। ये वो सच्चे फनकार हैं जो रिश्तों के, देखिए कला जो है वो तो भीतर से निकलता है, वो आत्मा की परछाई, आत्मा की आवाज। यदि आत्मा का मिलन न हो सके कलाकार और श्रोता के बीच में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और शुद्ध 24 कैरेट कलाकार हैं सुरेश जी, लोक गीतों के माध्यम से भारत की मिट्टी और संस्कृति को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, बॉलीवुड के सिनेमा के माध्यम से, भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से कभी फुहड़ता नहीं गाते, कभी ऐसी बातें नहीं कहते कि जो रिश्तों को खराब करे। देवर हो जाए तो माता पिता स्वरूप है, मतलब जब भगवान राम ने पूछा कि ये जो सीता माता के जो आवरण है ये तुमने पहचाना क्या, ये जो उनके जो ज्वेलरी है जो इसे पहचानो, ने बोला मैं तो पांव से ऊपर कभी देखा ही नहीं, मैं पहचानता क्या हूँ। और आज भी यही संस्कृति है, देखिए भारतवर्ष में किसी भी धर्म जाति या समाज से जुड़ जाए, लेकिन हमारे देश की संस्कृति इतनी प्यारी है, प्रिय है, जो सुरेश जी के आवाज में हम सुन रहे थे। मैं तो स्टेज पे बुलाना चाहूंगा शरद प्रभु साहब को, शरद प्रभु जी के शुभ हाथों से मैं अपने आदरणीय सिंगर श्री श्री शुक्ल जी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल के आज हमारे इस मंच पे आए हैं। सूरज सक्सेना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए सुरेश प्रभु जी, शरद प्रभु जी। सुरेश प्रभु हमारे बड़े आदरणीय मित्र हैं, इसलिए हमेशा उनका ही नाम हमारे जहन में रहता है। सूरज सक्सेना कहाँ है भाई, आयोजन में लगे पड़े हैं? नहीं नहीं कहीं नहीं, आप तो रुके भाई हमारे बीच। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही धमाकेदार विलन, जिनके चेहरे को देखने के बाद हीरोइन का रूप ले भैया, हमारी बिटिया भी डैडी डैडी करने लगी, तो समझिए कहां तक मैं प्रगति कर चुका। ऐसे विल्सन टाइगर हम लोगों के बीच में है, विल्सन टाइगर मतलब लड़कियां देख ले तो फिर वो हम लोग बाहर की दुनिया में लग, सिनेमा की दुनिया की लड़कियां कांप उठती है। एक बार हाथ दिखा दीजिए भैया, विल्सन टाइगर साहब सकल स्टेज पे आके दिखाएंगे, फिलहाल हाथ ही दिखा रहे हैं। हम सबों के बीच में बबीता साव हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं। हमारे बीच पंडित कुमार सपन साहब हैं, बहुत अच्छे टी सीरीज के बहुत ही धमाकेदार सिंगर हैं। ये देखिए हमारी बिटिया भी परेशान करी, हमारा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है। हमारी बिटिया है, इसका नाम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज काव्या। ये काव्या है क्योंकि मैं गीत कविता लिखता था, हमारे मित्र कुंदन जी ने का नाम रख दिया काव्या, शरद प्रभु जी नहीं है। चलिए आइए हम सबों के बीच में, भैया 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक मैं नहीं रहने दे, आप थोड़ा सा कॉमेडी सुनिए, तब तक कॉमेडी आप सुनिए, तब तक मैं स्टेज संभालता हूँ। शरद आइए, शरद प्रभु साहब कहाँ है? आइए कड़क यादव हम सबों के बीच में आ चुकी, रब्बा इश्क न होवे। सुरेश जी कह रहे थे सबको इश्क हो जाए इनको, नहीं नहीं रेडी करके रखो। और लायंस क्लब ग्राउंड में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाई जा रही है, यहीं पे एक बैनर लगा हुआ जिसमें सुरेश शुक्ल जी का बहुत ही मुस्कुराता हुआ मधुर तेजस्वी चेहरा दिख रहा है। ये कल हमें और भी सुनने का मौका मिलेगा, जहां लाखों की भीड़ होंगी,
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं। शरद प्रभु साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए। सूरज सक्सेना साहब, महेंद्र दास जी, एक मिनट बैठ जाइए। मैं सुबोध नेवलेकर जी से गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए। फोटो मार, फोटो उधर उधर मार रहा है ना वो, टेंशन मत ले, वो समझदार है। अरे यार चलना मत ना, नहीं मारेंगे क्या उखाड़ लेगा। हमारी टीम से मैं गुजारिश करूंगा आए और इतने बड़े मैं पवार मैडम से कहूंगा कि स्टेज पे आए। मन्ना शर्मा जी स्टेज पे आए। शिला शिला एक ही साथ सब देंगे क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मंच, ये जय माँ सरस्वती मित्र मंडल, चूंकि ये बेशकीमती समय निकाल के आए हैं, ये मंच इनको महा सरस्वती सम्मान से सम्मानित करती है। घनघोर तालियों के साथ इनके सरस्वती शक्ति को आगे बढ़ाएं। अरे मारते रहे, मारते रहे, मार फटाफट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमारी बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री, एक मिनट, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मधुर गीत लिखने वाली ऐसी शिला झा जी हम सुबह के बीच में, चूंकि ये जाने वाली इनके आदरणीय पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं है तो इन्होंने गुजारिश किया है ये सम्मान हमारी ललिता मैडम से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए। फोटो अच्छा साहब, फोटो यही छपेगा, फोटो आएगा, ये नहीं है हमारे, फोटो नहीं आएगा तो इसे ये आएगा, फोटो आएगा, ये तो इन हाउस है ना। शिला जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो भक्ति गीतों को हम लोग सुनते हैं, ये भक्ति को कलामकार चिंतन मंथन और परमात्मा की कृपा से माता सरस्वती के आशीर्वाद से लिखते हैं, उनके लिखे हुए गीतों को हम लोग सुनते हैं, ये हम लोगों का परम सौभाग्य होता है। गीतकारों का सम्मान बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मंच की गरिमा को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोक गीतों को हम भी सुनने के प्रिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारी आने देवी सजनों, आइए गीत और गायकी की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा मौसम बदलते हैं, क्योंकि हमने गीत बहुत सुने, अब कुछ कलाकारों को, बॉलीवुड के कलाकारों को, उनकी आवाजों को सुनते हैं। और हमारे बीच बॉलीवुड के द ग्रेट कॉमेडियन बी आशीष हम सबों के बीच में है। इसके बगैर मेरा प्रोग्राम पूरा ही नहीं होता, और इसकी मम्मी आ जाए तो पूरा प्रोग्राम और भी बढ़ जाता है। आज हो अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के, कॉमेडियन के, जॉनी लिवर इनके गुरु हैं इनके साथ, और देश विदेश पूरी दुनिया में प्रोग्राम कर चुके हैं। अपनी आवाज निकालते हैं कि नहीं? ये है सुरेश शुक्ला जी, चूंकि बढ़िया गाते हैं तो उनको लगता है मेरी तरह सब गाए, लेकिन ये अपनी आवाज कुछ अलग तरीके से निकालते हैं, और आप रहिए, आप सुन के जाइए। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे दिलो जिस दोस्त प्रेम कुमार जी, इनका भी एक अलग स्टाइल है बात करने का, इनके बारे में जितना कहो उतना कम है, इनका एक अलग स्टाइल है बात करने का। शायद मुझे ऐसा लगे घर पर भी ऐसी बात करते होंगे, इनका एक अलग अंदाज है, क्योंकि ये जब किसी से फोन पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एंकरिंग में बात करें। जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं जी, हमारे बहुत दिलो जिस दोस्त है, रेडियो जॉकी है, जोरदार दिल से तालियां, क्योंकि बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत संघर्ष किया इन्होंने। और सुरेश शुक्ला जी, काफी दिनों बाद हम लोग एक स्टेज पे मिले, बहुत दिनों बाद, मैं चाहता हूँ इन्होंने जो इनका जो अंदाज है गाने का, वाकई में जोरदार तालियां इनके लिए भी, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ताली बजाने क्यों लगाता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ताली बजाने क्यों लगा रहा हूँ, ताली इसलिए बजाने लग रहा हूँ, आप इस गलत फहमी मत रहिएगा कि मैंने आपके लिए ताली बजाने लगा, आप इस गलत फहमी मत रहिएगा कि मैंने आपके लिए ताली बजाने लगा। मैंने ताली आप लोगों को इसलिए बजाने लगाई क्योंकि आजू बाजू में अगर मच्छर है तो मच्छर आपकी ताली से मर जाएगा ना, आपका खून पी सकेगा।
जरा आपने तालियां बजा दीजिएगा। अब मैं ताली इसलिए बजाने लगा रहा हूँ क्योंकि ताली सरकार ने हर चीज पर टैक्स लगाया लेकिन ताली पर किसी ने टैक्स नहीं लगाया। थैंक यू। क्या चलिए ठीक है, मैं नॉनस्टॉप आपके बीच आवाजें पेश करूंगा क्योंकि टाइम वक्त बहुत कम है। सुरेश जी ने जिस तरीके से एक दुनिया बना दी थी, अब देखिए एक अलग दुनिया ये तैयार बना चुके हैं हम सबों के बीच में। और जैसे मैं नाम लेना शुरू करूंगा आपकी तालियां भी उसी लेवल पे बजनी चाहिए। आज जो आवाज पेश करूंगा उस आवाज पे तालियां होनी चाहिए। और नन अदर देन जो पहले नाम मैं आप सबों के बीच में रखने जा रहा हूँ सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन। हेलो नमस्कार, वेलकम टू देवी और सज्जनों। तो चलिए आइए आप और मैं खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। भैया यहाँ पर आकर भैया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। शाहरुख खान किंग खान। अरे यार माँ कहती पारू छोड़ दो और पारू कहती दारू छोड़ दो, लेकिन आप तालियां बजाना मत छोड़ो, तालियां बजाते रहो। अमोल पालेकर। सर वो क्या है ना सर, सर वो मेरा जुड़वा भाई है सर, लक्ष्मी प्रसाद है, उन्होंने मुझे बुला था, उन्होंने मुझे कहा था कि सर माँ सरस्वती की पूजा है वहाँ पर जाना है और आपको बड़े अच्छे सम्मान के साथ नवाजा जाएगा। हेलो सर, वो मेरा भाई था लक्ष्मी प्रसाद। थैंक यू। बोलते रहिए आप। द ग्रेट विलन अमरीश पुरी। अरे गुप्ता जी मैं तो कहता हूँ दामिनी पागल ही पागल, अरे मरवा डालू उसे शुक्ला जी, गुप्ता जी की जगह शुक्ला जी नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ताली होने दीजिए। देखा भैया यहाँ पर हमारा की यहाँ बुलाए सरस्वती मैया की पूजा बा भैया, सभी लोगों की आशीर्वाद बा भैया, जिंदगी बड़ी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये बाबू हर हर महादेव। वेरी मल्टी टैलेंटेड एक्टर दादा खोड़के। अरे साला मजनू मुझसे चलता है, आलू ले लो कांदा ले लो। अरे अब वही बेचना बाकी है मेरे लिए, ताली तो बजाओ, अगर ताली बजाएंगे तो बहुत कुछ बेचूंगा। फोर्थ खान सैफ अली खान। वेल आई एम राजू अमेरिका से। अरे यार मैं तुम्हारे लिए अमेरिका छोड़कर यहाँ सरस्वती पूजा में आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि सबसे पहले सरस्वती माँ कला की देवता बोले तो सरस्वती माँ। राज को वो बिरयानी खिला दिया बे। अब सिद्धू अब दिल्ली के लोग बड़ा ठगा होता भाई, माते तो छठी का दूध याद दिला देते भाई। अब दिल्ली में हमारा दोस्त रहता है सिद्धू, अब दिल्ली वाले नहीं पहचानते तो बम्बई वाले क्या खाक पहचाने के भाई, लेकिन जहाँ सरस्वती पूजा है वहाँ मैं अपना नमन करूंगा भाई। थैंक यू। जी हाँ दिलों के जान द ग्रेट एवरग्रीन प्राण। पहचाना नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचानोगे बरकुरदार, जिस आवाज ने सारी अपनी दुनिया को मुट्ठी में खींच रखा है। तुम्हारे अपना प्राणों से प्रिय प्राण बोल रहा हूँ, फिर मत कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। एंड वेरी माय ओन फेवरेट देवानंद। क्या बात है क्या बात है, चौरी मेरा नाम चोरी मेरा काम, पहले मैं उस भगवान से जाके पूछूंगा कि किसी को दिल देता है दिमाग देता है लेकिन उसके साथ एक अच्छा कलाकार भी बना दे, क्योंकि आज सरस्वती माँ पूजा है। आप सभी को सरस्वती माँ पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या बात है क्या बात है, तालियों की भी बात होनी चाहिए। थैंक यू। द शोमैन राजकुमार। शानी हम राजा है राजकुमार है और हम सौदागर भी है, हमारे 14 घर है, 13 खिड़कियां है, 12 दरवाजे है, समझे जानी। सलमान खान। सलमान शिकार तो सब लोग करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। हेलो नमस्ते सलाम आदाब, तो चलिए आइए आप और मैं खेलते हैं 10 गदम। तो बताइए भारत में कितने प्रतिशत लोग अपने बीबी की बात मानते हैं। द ग्रेट कॉमेडियन ऑफ इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री जॉनी लीवर। बाबा
में राजू खाते काजू, रहता दुकान के बाजू, दूसरा 10 दिन से बीमार है, तीसरे को टीबी है और चौथी की बीबी बीमार है। आपको होश मिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया सेठ जी, जूते सुखाए तब भी आपको होश नहीं आया सेठ जी। उसके बाद मैंने कहा कि एक जगह सरस्वती पूजा है, वहां पर चलो, वो मंडल वाले बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू, वेरी टैलेंटेड इरफान खान। अबे क्या भैया, हमको पहचान दो। अबे एक लड़की उड़ाने का चक्कर क्या भे? अबे हमारे बारे में जानना है तो भैया कुछ नहीं, 1 2 3 डाल करो, सब 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 पता चलेगा, तुम मानो या ना मानो। थैंक यू, अनिल कपूर। नाशिक हो या मुंबई, लड़कियां लड़कियां होती बॉस, पढ़ाने के फार्मूले बोले तो एकदम शकास। अरे मोहिनी, मैं जानता हूं मोहिनी, तुम उसे बहुत प्यार करते हो मोहिनी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप से सौदा किया था, समझी मोहिनी? थैंक यू, द ग्रेट अनुपम खैर। अरे यार लगन के बच्चे, मुझे पिटवा दिया, अंडा रख दिया, मेरी धोती गीली कर दी, ये क्या कहते तूने, मेरी धोती गीली कर दी, राधा से मिलने के लिए मेरी धोती गीली कर दी। अन्नाद रजनीकांत। मेरे को मालूम है कि तुम लोग यहाँ पर आया, मेरे लिए आया, रॉबर्ट के वास्ते आया, तो रॉबर्ट के वास्ते जरा जोर तालियां बजाओ। ठीक है, और आगे का बोलो फटाफट। रंजीत, रंजीत। ठाकुर साहब, जिन हराम दादो को आप करण जू समझ बैठे हैं, वो करण जू नहीं बल्कि अजय और विजय है। अरे बुढ़िया, मैं तेरे बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरा नाम तकलीफ चंद तकलीफ वाला। जब मैं पैदा होता तब मैंने मेरे बाप बाप को भी तकलीफ देता हूँ, अब मैं तुझे भी तकलीफ देता हूँ। आगे की आवाज बोल। अमीर खान। ऑलीज़ वेल। अरे यार, दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। आपने झुकाया। पब्लिक को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जरा जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। ऑलीज़ वेल। सदाशिव अमरापुर कर। अरे रोना नहीं है, अरे रोने से किसी की तकदीर नहीं बदलती है। अरे मैं भी बहुत रोई चिट्ठी चिल्लाया, अरे जिसको बनना है करोड़पति वो बनेगा करोड़पति। तू गेम शो छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं तुझे अंदर का पति बनाऊंगी। कादर खान। अच्छा बेटा, तुमने मुझे यहाँ पर बुला के बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा मेरे दोनों बेटे ना बड़े आराम करे, एक का नाम है गुल्लू और दूसरे का नाम है उल्लू, लेकिन साले दोनों के लोग बड़े आराम करे, पता नहीं कहाँ घूमोगे। अरे यार ताली तो बजाओ यार कादर भाई के नाम से। विराट का छोकड़ा गोंदा। ओ संतू जी, ओ पादरी जी, संतू जी, ओ मेरे दोनों भतीजे ना आपके भांजे के साथ बहुत प्यार करते हैं, ओ मैं लड़कियों का ऐसे निशो पर किसी से तो, ओ गुलजारी लाल यार, ओ कमाल करते हो गुलजारी लाल, हमारा घर इतना छोटा नहीं है, हमारा घर इतना बड़ा है कि दूसरा जो आदमी होता है ना उसको साइकिल लेकर दूसरे घर में जाना पड़ता है, इतना बड़ा हमारा घर मालूम है। और ताली तो होने दो यार, ओ कमाल करते हो जयपाजी कंट्रोल यार। अच्छा देवगन, हैरान परेशान, क्या करे इश्क है भी अजीब फंडा, अच्छे खासे आदमी को उल्लू बना देता है। ये मेरे कहने पर तुम्हारे साथ आई थी ताकि इस पाइल का पता लगा सके, समझे? जरा छोटा थाली होने दो। हाँ मैं तो अपना ले लूटा, गहनों में कादम था, जाते मेरे कष्ट जो भी, वहां पर दारू पीने में पानी कम था, पानी कम। प्रकाश राज। हलवाई क्या बाजीराव सिंगम, वेल वेलकम टू गोवा सिंगम, बीगे होट तेरे प्यासा दिल मेरा, मैंने कहा था मैंने तुझे कि मैं तेरी बदली कराऊंगा, वो अभी अभी क्या अभी, ए तू मेरे पावर को जानता नहीं है। हलवा क्या डेंजरस मैन डैनी। काशीनाथ तुम्हें खुश होगी जानकर, आज के बाद तुम मेरे गिरफ्त में काम करोगे, रुपए पैसा मिलेगा, लोग तुमसे डरेंगे, समझे? रणवीर कपूर। बाबा मैं ना जीनी से बहुत प्यार करता बाबा, और जीनी भी मुझसे बहुत प्यार करती, लेकिन पता नहीं जीनी मुझसे कहती थी कि वो भी मुझसे प्यार करती। मैंने कहा जीनी हम दोनों नॉनवेज खाते, लेकिन जीनी मुझसे कहा कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, साला मेरे दोस्तों ने मेरा पोपट कर दिया। सनी देओल।
दिया। यह माजूर कहाँ देखा दिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। तू तो चाहता है कि मैं तेरे सामने कुत्ता बन करूं, तू तो कहे तो भोकू, तू तो कहे तो काटू। लाख लोगों को जीता खा दिया जिनके अड्डों में पानी भरा होता है। अगर मत बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे, खा दिया और यहाँ सरस्वती पूजा में आ जा। थैंक यू राजा मुराद। आज हमें पता चला कि हमारा कौन ऐसा है। ये बात अगर हमें पहले पता होती तो हम उसकी चमड़ी उधेड़ देते, शायद वो जानता नहीं हमारे पास अभी एक ही प्यादा बचा है जिसका नाम है केसरिया विलायची। अगर वो हमारे पास आ जाएगा केसरिया विलायची तो राम और लखन में हम झगड़े लगा देंगे, समझे। बखूब मानिए, हमारी शतरंज की बाजी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर इतने लोग आए लेकिन मेरे लिए ताली कोई नहीं बजा रहा, दिल से तालियां होनी चाहिए। आज तो सरस्वती पूजा है, सरस्वती माँ की पूजा है, तो मैं चाहता हूँ दिल से तालियां होनी चाहिए, तालियों में जादू होना चाहिए। जादू नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन तालियों में जादू होना चाहिए। थैंक यू अक्षय कुमार। सोनिया ये राजा कौन है, राजा को पता लगाओ सोनिया। थैंक्स, छोटा थम्स अप सिपाही रुपए में। लक्ष्मी जी क्या बात है, महालक्ष्मी जी आपसे बातें करता तो ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी चैंबर से बातें करो। आई लव यू महालक्ष्मी जी, आई लव यू। राजपाल यादव। अरे मेरे रंगीले रतन, मेरे जिगर के छल्ले, अरे समीर अभी कुछ मत कर, अरे तेरे जिंदगी में एक सनी आ गया है। अरे समीर मेरी बात मान ले, तेरे कुंडली में सनी लिखा है। धर्मेंद्र। राम साधे मैं त्रिकोण पर जाऊंगा, अगर खून नहीं मिला तो सामने वाले की चाय पी जाऊंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है तो ताली चूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैंने इन लोगों को 15,000 डॉलर दिए, रेड लेबल ब्लैक लेबल सब पिलाई, विस्की और का वाइन, ये देखो लाल पीले के पड़े, और इन घोरों ने ना मुझे ना चाने का बाल चिपका दिया, 5 मिनट नहीं टिकता। आई एम सॉरी, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। थैंक यू गुलशन ग्रोवर। मैं आओ मैडम माया के पास अक्षय है तो मेरे पास अंडरटेकर है 30 माइंड। राज बब्बर। बलवंत तुम हमारे बहुत पालतू कुत्ते हो बलवंत, वो तुम्हारा 2 कौड़ी का लोटा हमारी आजको मचको को लेकर भाग गया, वो हमारी जान थी। हम नहीं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, हमें आजको मचको चाहिए बलवंत, आजको मचको चाहिए। जितेंद्र। अरे अरे क्या कह रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रही हो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरा बेटा जिंदा है, मैं जानता हूं मेरा बेटा अच्छी एक्टिंग करता है, मुझे मालूम है, तुम तुम्हारे हाथों में प्यार करने वाले बहुत से डराने करते हैं चारमान। थैंक यू विनोद खन्ना। तुम्हारा नाम है एंथनी है, तुम ऐसा नहीं मानोगे, तुम झूठ बोल रहे हो मुझे मालूम है, तुम्हारा नाम ही एंथनी है और मुझे ये भी पता कि तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ सरस्वती माँ की पूजा है, जहाँ ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है वहाँ शुक्ला जी भी गा रहे हैं और प्रेम कुमार पांडे भी है, इनके लिए जरा सोचा तालियां होने दीजिए। ऐसा नहीं मानोगे, इतनी कम तालियां, जोरदार दिल से। तालियां नहीं बजे तो गालियां ही दे दो, सुरेश जी कह रहे हैं। चलेगा गालियां भी आशीर्वाद है भाई। जी हाँ बोलिए। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार। एक बात समझ में आ रही है, हम धर्म पाल अधिकारी है, हम जो फैसला करते हैं उस फैसले को दुनिया मानती है, क्योंकि हम धर्मपाल अधिकारी है और धर्मपाल अधिकारी रहेंगे। सबके आज जो सरस्वती माँ की पूजा है और जय माँ सरस्वती मित्र मंडल का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते भाई जी, उन्होंने आज हमें बुलाया, इसका भी शुक्रिया। प्रेम चोपड़ा। थैंक यू ओम प्रकाश।
हाँ भैया जाओ भाग्यवान की, जाओ राधे श्याम की, देखो विक्की बाबू आज एक जगह सरस्वती माँ की पूजा है, वहाँ पर जाना है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है विक्की बाबू, मेरी बात सुनिए विक्की बाबू। सुनील सेट्टी, सुनील सेट्टी तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये मैं हो नहीं दूंगा, और मेरा सच्चा पार्टनर नया कॉलगेट डांस पर जा संजीव कुमार। देखो ये जो तुम्हें जो चंदा की बेले नजर आ रही है ये अपने आप से कह रही है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और उतना ही प्यार मैं मेरे ऑडियंस से करता हूँ, ये मेरी ऑडियंस के बगैर मैं अधूरा हूँ, मेरे पास तो हाथ नहीं है लेकिन आपके पास हाथ है, आप ताली बजा सकते हैं क्योंकि मेरे हाथ गब्बर ने छीन लिए। थैंक यू सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती। hey, अपन का नाम जॉनी क्या, अपन की जिंदगी मौत का पैगाम लाती है, अपन की जिंदगी भरे बाजार किसी को नंगा करती है। hey, चल मेरे भाई का एक बार का बटवा देता है कि नहीं, आज ये परमेश्वर ऐलान करता है कि तुझसे मिलने जरूर आएगा। क्या बात क्या बात क्या बात, लेकिन क्या बात थी आज तक पता नहीं चला। तालियां बजाइए, आप खामोश क्यों आए, नहीं तो अब लिस्ट बंद हो जाएगी। कुलभूषण खरबंदा, कुलभूषण खरबंदा। अरे कौन हराम ज्यादा जो हमसे गद्दारी कर रहा है, कौन है जो पुलिस तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, एक बार उस हरामजादे का पता लग जाए हम उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, शायद वो जानता नहीं कि शाकल के साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है, उसे पता नहीं। अरे दामिनी पागल हो गई है पागल, आप उसे मरवा दीजिए, मेरी बात सुनिए, आप उसे मरवा दीजिए। जगेश श्रॉफ, जगेश श्रॉफ, मैं तुमसे चलता हूँ अपने भाई से, मैं चलूंगा अपने भाई से, मेरा भाई लखन मेरी बात मान ले, अपने आप को सरेंडर कर दे, मेरा भाई लखन मैं तुमसे नहीं चलता हूँ, लखन तो मेरा भाई है, मैं नहीं चलता हूँ तुमसे। थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट सुनील दत्त साहब। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को साफ बनते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम लोगों को मजाक लग रही है, अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ जंगल में चलो, मुझे मालूम है तुमने उस नागिन पर गोली चलाई, उस नाक पर तुमने गोली चलाई, और जब तुमने नाक पर गोली चलाए तो मुझे मालूम है वो नागिन अपने नाक का बदला लेने के लिए जरूर आएगी, जल्दी ढूंढो उस नाक को, जल्दी ढूंढो। थैंक यू जी दोस्तों, आपका लिस्ट फाइनल हो गया भाई साहब, फाइनल हो गया, और बहुत सारी आवाजें भी थी उसमें, नहीं नहीं सब निकल गए, अब पसीना पसीना हो गया, अरे होना ही पड़ी चाहिए। The great comedian, thank you, Sri Ashish, जो laughter champion है और आज हम सबों के दिलों के champion है, इतनी सारे कलाकारों की आवाज। प्रेम जी, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं मिलता है, क्या बात है क्या बात, इसलिए पसीने के लिए इनकी ताली बजाओ तो यार, कितने आप लोग एहसान फरामोश है यार। हाँ हाँ, अरुण भैया मत कीजिए, अरुण भैया ने भी बहुत अच्छा गाना गाया, अरुण भैया आपने गाना जो गाया मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया, ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि वो मुझे दिन याद आया जब नोट चेंज हुई थी, 500 और 1000 की नोट चेंज हो गई थी, 2000 की नोट मार्केट में आ गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आप उस नोट के लिए गाना गा रहे हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यही मस्त नक में गाता, जरा जोरदार तालियां, अरुण भैया के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग गाया अरुण भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और भैया बहुत अच्छा, इनकी कॉमेडी को सुनने का सम्मान होना चाहिए। उत्तर भारत सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतिवर सिंह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आए, कुमार सपन जी को कि स्टेज पे आए, और इधर आ जाओ कुमार सपन जी स्टेज पर आए, कैमरा आ रहा है जो आपके इस महफिल में आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ये टी सीरीज के बहुत बड़े कलाकार हैं, इनकी आवाज को पूरी दुनिया सुनती है, ये टीम इनका सम्मान करे, 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 करे।
सबका फोटो आ जाना चाहिए। सुरेश जी का हाथ लग जाएगा तो और भी ये हाँ। सुरेश सक्सेना साहब अब स्टेज पे आइए, साइड पे आए। बबीता शाह जी नहीं, साहब बहुत अच्छी गायिका है, हम सबों के बीच में थोड़े देर में इनकी आवाज को हम सुनेंगे क्योंकि जोरदार तालियां होनी चाहिए। खाली इनके गीत को सुनेंगे आप आशीर्वाद नहीं देंगे ये तो गलत बात है। श्री अरुण सिंह साहब जिन्होंने इस महफिल की शुरुआत की मधुर गीतों के साथ, ये सम्मान उनके लिए है। मैं नाम ले रहा हूं सबका, अरुण सिंह साहब। इसके बाद हमारे बीच जो स्टेज की मेजर डायरेक्शन में हैं श्री सतीश बोंतल साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इसके बाद वो मंच पे आए। जथा नाम तथा शरीर जथा गुण, आइए सिंह साहब स्वागत है। शरीर बहुत पसंद आया क्योंकि अपने शरीर के कंपेरिजन इन्होंने ढूंढ लिया। जी हाँ, ये साउंड सही है। सतीश बोंतल साहब इसके बाद सम्मानित होंगे स्टेज पर। श्री विनोद मिश्रा साहब कॉरपोरेटर हैं, चेयरमैन हैं मलाड सहकारी बैंक के, यदि आप आए प्रभु तो आप स्टेज पर आदत पधारें। श्री विनोद मिश्रा साहब जी नहीं आ रहे। हरे अगली जो विजयराज यादव जी, विजयराज यादव फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकार हैं, दोनों कैमरा लाइव जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विजयराज यादव जी का। मिस्टर बी आशीष, इनके लिए जोरदार जिन्होंने 1000 कलाकारों की आवाज आप सबों के बीच में रखा है। एक अनूठी आवाज हम सबों के बीच में कुछ देर में गूंजेगी। श्रीमती अरुणा सिंह हम सबों के बीच में हैं, अरुण सिंह साहब की पत्नी हैं और साथ में हैं तो खग ही जाने जाने की भाषा। वो गाती भी हैं, अभिनय भी करती हैं और खूबसूरत दिखती भी हैं, एक्ट्रेस हैं। अभी सही ली है, ये सही है, दिखती बहुत अच्छी, लेकिन जब खलनायकी में आ जाती हैं तो फिर पर्दा हिल जाता है, यकीन नहीं कर सकता। अरुणा ईरानी को भी टक्कर देती है। आज के रॉक स्टार जिन्होंने रॉक स्टार के विनर भी हैं बॉलीवुड के उभरते हुए बहुत ही अगले अरिजीत सिंह, मैं उनके भीतर देखता हूं, ऐसे सुपरस्टार सिंगर यश वर्धन जी। यश वर्धन जी का सम्मान होगा। यश वर्धन सज्जनों, हमने दबंग फिल्म देखी थी और भैया जी स्माइल से बहुत ही पॉपुलर अंतरराष्ट्रीय ख्याति, जितना सलमान खान पॉपुलर उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर हो गए भैया जी। भैया जी स्माइल, सारे कैमरे स्माइल कर रहे हैं, ऐसे सुपरस्टार कॉमेडियन एक्टर हम सबों के बीच में, कॉमेडियन के रूप में हमने देखा लेकिन इनके बहुत ही मास्टर क्लासिक एक्टर हैं, फाड़ू अभिनेता हैं हम सबों के बीच में, इलाहाबाद की मिट्टी में पैदा हुए। भैया जी महाराज, ये श्याम जी हैं असली नाम दबंग वाला।
पब्लिक मीडिया जिनके माध्यम से ये सारा कारोबार संपन्न है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और कल के अखबारों में जो छपेंगी, ऐसे मीडिया डायरेक्टर अखिलेश सिंह जी, अखिलेश सिंह साहब ये नहीं चलेगा, नहीं है ये भी नहीं है शायद। हमारे बीच एक छोटा जादूगर है, पता नहीं आया कि नहीं आया, मैजिशियन मास्टर सुरांग प्रीतम रणदेवे, इसको रखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस, बहुत अच्छी परफॉर्मर श्रेया मिश्रा, श्रेया मिश्रा हम सबों के बीच में नहीं आई हैं, बड़े स्टार थोड़े वक्त लेकर आते हैं। कायनाथ मिर्जा, ये भी बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस हैं, हम सबों के बीच में नहीं आई हैं। उदय भगत जी, श्री उदय भगत साहब, ये तो बहुत गलत बात है, कोई भी नहीं आए। अखिलेश सिंह, डॉक्टर विजय सिंह साहब, सोशल वर्कर हैं, हम सबों के बीच में हैं। और ये डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ले लो भाई, ले लो अवार्ड प्लीज। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे राइटर, बड़े कलाकार, ऐसे राइटर और डायरेक्टर उभरते हुए, बहुत ही मेहनतकश और इनका दिलकश अंदाज लिखने का, अच्छी अच्छी नज्म गीतों और बहुत सारी चीजों को इन्होंने महारत किया, ऐसे बॉलीवुड डायरेक्टर एंड राइटर कुंदन कुणाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी आवाज से ये महफिल खनक उठी थी, जिन्हें लंबी जुदाई के शहर को एकदम हमारे और आपके दिलों को बांध दिया, जोड़ दिया, ऐसी तेजस्वी गायिका, सारे गामा पा के स्टेज पे धमाल मचाने वाली ऐसी कलाकार फनकारा हम सबों के बीच में, द ग्रेट साक्षात्कार हैं। मैं चाहूंगा कि गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ इनका सम्मान हो। हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जिन्होंने अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे लोगों को पर्दे पे काम करवाया, ऐसे श्री सुबोध निमलेकर हम सबों के बीच में हैं, उनका सम्मान। अजय देवगन न जाए, अरे हो हेलो, जो इतनी देर से सबके नाम को अनाउंस कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, और देखिए ऊपर से नीचे तक पसीने पसीने हो गए हैं। प्रेम भाई, कहा जाता है मंच संचालन अच्छा हो तो कार्यक्रम भी अच्छा हो जाता है, तो सूत्रधार इनको कहा जाता है हिंदी में, तो ऐसे हमारे सूत्रधार मंच संचालक रेडियो जॉकी प्रेम कुमार जी का सम्मान। बचाऊंगा माधवर जी और प्रभु जी और जितने भी जी यहाँ है, यानी गॉड भगवान, सब लोग तालियां बजा के आशीर्वाद देंगे। जय हो। बैठ जाओ हो गए। मधुबर सिंह साहब अपना दिल उछाल के रख देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कुछ
अभिमान श्रीकांत यादव आए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए, गुलदस्ता दे के उनका स्वागत किया जाए। ओके, बीच में जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत लेडीज एंड जेंटलमैन। हम के बीच में मशहूर अभिनेत्री कायनात मिल जा चुकी हैं। कायनात मतलब प्रकृति होता है, सृष्टि होता है। ललिता वरिष्ठ से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए और हमारी कायनात मिर्जा को पूरी टीम के साथ सम्मानित करें। ले 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 और ले ले, तीन फोटो ले, फोटो ले, लेते रहे। कायनात मिर्जा ले ले ले, चलो ये देखिए हाथ देखे वो लेके आ रहे हैं ऊपर। कायनात को संभालना इतना, और यदि कहीं फिल्मी कायनात हो तो फिर और भी विस्फोटक है। जोरदार तालियां, वेरी डैसिंग, वेरी डायनामिक फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी मशहूर कायनात मिर्जा। पागल इतना अच्छा काम किया, कौन से पिक्चर में आया? अभी रिलीज होने वाली है, आज रिलीज हो गई, बहुत प्रोडक्शन है। कौन प्रोडक्शन है बोला? अभिषेक जी दिल्ली के आ रहे हैं। श्री सुनील पंसारे साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। सुनील पंसारे साहब आइए सर हमारे बीच। हम लोग सलमान खान को दबंगई करते देखते हैं, हालांकि सुनील पंसारे साहब बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हैं, थ्री स्टार इंस्पेक्टर हैं। इंसान एक स्टार होता है तो अपने पांव को जमीन पे नहीं रखता, ये थ्री स्टार हम सब के स्टेज पे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियों के साथ। वर्दी में आते तो सब डर जाते, ये सादा ड्रेस में आए तो क्या तालियां भी नहीं बजा रहे। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। और मैं प्रेम भाई से गुजारिश करूंगा मातवर सिंह जी का, जो हमारे अग्रज हैं और जिनका आशीर्वाद हम सब पे है। ये सुनील प्रभु और गजानन कीर्तिकर जी के बहुत खास हैं। आपका सम्मान गुलदस्ता देके प्रभु जी करें, जोरदार तालियां बजा के। हम सबों के बीच में सागर सिंह साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आएं। सागर सिंह जी, सागर सिंह साहब, इतना मार रहा है गोली, जम रहा है गोली, भर के ले गोली मार भाई। अब बिना रुके टुके हम गायकी की ओर भी आगे बढ़ेंगे और कायनात को भी थोड़ी देर में सुनेंगे कि कायनात खतरे में है कि नहीं। ये कायनात तो खतरे में है आपके आगमन के बाद। हाँ, सुनील पांडे जी हमारे बीच, हमारे प्यारे आदरणीय भाई सुनील पांडे जी, कांदीवली से हम सबों के बीच में आए। सुनील पांडे जी से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आए। सुनील पांडे जी समझदार है तुम, उनका सम्मान आदरणीय शरद प्रभु साहब फूलों के गुलदस्तों के साथ। सुनील पांडे एक बहुत ही शुद्ध मन के व्यापारी हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। जी जी पटंग नहीं ले रहा बड़ा हुआ। अमर सिंह अब हम सबों के बीच में है। जय श्री राम। आइए, बजरंग दल के लीडर हैं, बजरंग दल वालों से बड़ी लोग दुनिया। हमारे बीच किशोर जी हैं, किशोर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए। किशोर जी देखिए तो दिव्य सज्जनों, ये स्टेज का सम्मान भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग
अपनी जिंदगी के कीमती लम्हों को लेकर हम सबों के बीच में आते हैं। आपको पता चलना चाहिए कि कौन इस स्टेज पर आया था। शैलजा सिनेमैटिक्स लिमिटेड, आर्ट लिटरेचर एंड क्रिएटिविटी के क्षेत्र में उन्हें महान सदस्य सम्मान से किया जा रहा है। तो शैलजा लिमिटेड के मालिक से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज पर आए। कहाँ रह गए साहब? जवान हो रहे, मुझे नहीं पता। श्री कनक यादव साहब, मरने का टाइम आ गया। कनक यादव साहब और बहुत दादा, तो मैं स्टेज पे निमंत्रण करूंगा। कनक यादव तो बहुत खूबसूरत है, नाम ही कनक है। कुछ मिट्टी दान करके जाइएगा। बॉलीवुड दा आदरणीय, देखिए मैडम हम सबों के बीच में हैं। ललिता जी आप आगे आइए, आप पीछे क्यों रहती हैं? हमारे बीच देखिए मैडम हम सबों के बीच में सोशल वर्कर, उनका पुष्प के गुच्छों के साथ सम्मान होना चाहिए। कनक यादव जी का सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए। खूब लोगों को देख के तो तालियां बजाएंगे। हाँ अभी दिल धड़क रहा है लोगों का। देखिए सज्जनों, जब कोई छोटी उम्र में बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल कर ले और जादू में जिसकी पकड़ हो जाए, जिनके विश्व के तमाम अकाउंट्स में नाम चला जाए, ऐसे मास्टर सौरांग प्रथम रणदिवे हमारे बीच बन चुके हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने माता पिता के साथ स्टेज पर आए। देख रहे हैं ये बच्चे माता पिता का क्या प्यार होता है। माँ फुर्सत से आराम से बैठ गई, बोले जाओ डैडी संभालेंगे, इधर भी संभालें उधर भी संभालें। तो ये हमारी मास्टर सौरांग के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुछ देर के बाद ये जादुई चीजें भी दिखाएंगे। यस बहुत बड़े जादूगर हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं। हमारी बेटी बोल रही दूसरे के बच्चे की इतनी तारीफ कर रहे, हमारे कुछ भी नहीं कर रहे, हमें भी ले लो। ये बच्चे भी कुछ बड़ा ही काम करेगी। जी दोस्तों आइए, अब शरद प्रभु जी साहब लेकिन इन्हीं चंद घंटों में आइए बबीता मैडम के साथ बॉलीवुड का शेयर करते हैं। अपनी अनोखी अंदाज में बहुत सारे गायिकाओं की आवाज को गाती हैं बबीता जी। आदरणीय दिखे मैम, रिस्पेक्टेड ग्लैडिस मैडम हम सबों के बीच में है, माता सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। जोरदार तालियां, जो पहचान रहे वही ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने से ही पहचान बढ़ेगी। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। हमारी महिला अध्यक्ष ललिता वरिष्ठ और पुष्पा पाटिल सम्मान कर रही हैं आदरणीय अतिथि गणों का। फोटो खींच रहा है और क्या, तू भी खींच ले जाके। आशीर्वाद तो मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिले तो फिर बात नहीं बनेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां बजाइए। अब गीत गायकी की महफिल में उतरेंगे इसे देख, क्योंकि ये लम्हा भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी सामने उपस्थित है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि वो स्टेज के ऊपर आए और मंडल के थ्रू से उनकी जो मान मर्यादा मिले, कृपया आशीर्वाद के साथ में उन्हें ग्रहण करें।
मान मर्यादा मिले, मुझे लगता है 2 करोड़ का चेक मिलने वाला है मुझे क्योंकि सास है तो आस है, हमारी सास है, पत्नियों का भरोसा नहीं कब मूड बिगाड़ दे पति बहुत खुश है, क्या बात है, पकड़ो, लगता है कायनात फरीजा को देख लिया तो तुमसे बड़े खुश हो गए जनाब आप भी साइड में आ जाइए और फोटो निकलवाइए। भैया प्रेम कुमार जी की धर्मपत्नी, बगल में सासू मां, इतना प्रिय, कितने आदमी है, धन्यवाद फोटोग्राफर जी। अच्छा ठीक रहे ना भाई। ओम महाराया
Thank you.
भगवती हर प्रभ्य प्रभ्य ओम शीतोषम साफलजा प्रमेलंकार वस्त्र शांति प्रवचने ओम महाराधिते नमः माधवीरेभ्यो नमः ओम प्रथमातोभ्यो नमः प्रादेवाभ्यो नमः आवाय देवताभ्यो नमः मांसुतीरेभ्यो नमः सर्वो आवाय देवताभ्यो नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि मंजरी ओम रावाय देवता योगमा तुलसी धर्म समर्पयाम नमरा देवा योगमा तुलसी धर्म समर्पयामि ओम
Yes, I don't know.
Oh,
Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming
again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.